हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर वन कोचिंग सेंटर ICS। मुख्यमंत्री से आज मुलाकात हुई, किन विषयों को लेकर चर्चा हुई सर? विकास के काम, सिरसा के हमारे स्ट्रॉन्ग वाटर का काम था जो करीब आधा हो गया था और आधा पेंडिंग था, तो वो फाइल बन के आज और निकल गई है। मेरे ख्याल 10 से 15 दिन में शुरू हो जाएगा, क्योंकि पूरा शहर इससे परेशान था, आधा खुदा हुआ था, आधा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही बहुत काम थे, नहरों के काम थे, उनकी अप्रूवल हुई है, और एक हमारे यहाँ जेई कॉलोनी थी, आदर्श नगर था, दो तीन चीज वो हुई हैं, तो उनके लिए साहब ने ओके किए है। सभी ऑफिसरों को बुला के अभी मीटिंग करके, सुबह भी फ़ोन किया था उन्होंने, आज सुबह से ही मैं सेक्रेटरिएट और यहाँ सभी से मिलके, जो जो सीएम साहब ने सभी ऑफिसरों को कहा, भी जो काम है सिरसा के, नहरों के, पाइप के, खालों के, जो भी काम थे, सब कामों के आदेश दिए, और लगभग बहुत तेजी से मेरे ख्याल शुरू हुआ है, तो जल्दी रिजल्ट आएगा सारा। दिंगतानिया माइनर को लेकर, दिंगतानिया माइनर के लिए भी आज अभी उन्होंने फोन किया और अभी भी बात हुई है उनसे, और मैं जाके उनसे अब बात करूंगा, जो बात हुई है उसका भी फाइनल हो गया है और वो काम हम कर देंगे पूरा पूरा। सर, एक ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने को लेकर भी, जो खेतों तक कच्चे रास्ते जाते हैं उनको पक्का करने को लेकर, उनको पक्का करने की स्कीम है, उसके लिए भी उन्होंने फोन कर दिया कि जो पॉलिसी है हमारी उसमें जो हम पक्के कर सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा वो काम करें, उसके लिए भी उन्होंने सेक्रेटरी में सुधांशु जी को फोन किया, जहां जिस व्यक्ति की जो ड्यूटी थी, जिस ऑफिसर की, उनको फोन किया, और मैं अभी यहीं हूं और मैं सभी से मिलके और वो सारे काम करवा रहा हूं जो सीएम साहब ने ड्यूटी लगाई है। सर, सीएम साहब की तरफ से पूरी छूट दी गई है सिरसा के काम? सिरसा के काम मुझे तो कभी उन्होंने ना नहीं की, ये उनका बड़प्पन है और हम भी उनके साथ खड़े हैं हर तरह, तो पब्लिक के काम है जिसमें के वो के मुझे लगता है कि किसी को भी नहीं ना करते होंगे, तो ना करने का मतलब ही नहीं।